नमस्ते दोस्तों, अगर आप लैपटॉप और कंप्यूटर यूज करते हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। आज इस वीडियो में आप सब कुछ सिखाऊंगा और बताऊंगा कि अपने लैपटॉप में और कंप्यूटर में डेटा मतलब फाइल फोटोज वीडियो को कहाँ सेव किया जाए जो लैपटॉप कंप्यूटर में प्रॉब्लम आने के बाद भी वो बच जाए, मतलब डिलीट और या तो गायब ना हो। अगर आप भी जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, पूरे वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। एक अच्छा इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आपके लाइफ में काम आएगा। उसके बाद चैनल पहली बार आए हुए हैं, कंप्यूटर लैपटॉप रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। जब भी कोई नया वीडियो बनेगा तो आपके पहुंच जाएगा दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, मेरे पास लैपटॉप है ये, और हो सके आपके पास भी लैपटॉप हो या तो कंप्यूटर हो। और इसमें क्या होता है ना कि हम जब काम करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई हम लेटर टाइप करते हैं, कोई एप्लीकेशन रखते हैं, या तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट फोटो रखा हो, वीडियो फोटो रखा हो, हम क्या करते हैं अपने कंप्यूटर में हम उसको लैपटॉप में सेव कर देते हैं। मान लीजिए कि 1 महीने बाद 2 महीने बाद हमको जरूरत पड़ जाएगा उसको देखना हो, फोटो को वीडियो को देखना हो, तो सारी चीजें। तो अगर सही जगह इसको आप अपने लैपटॉप में सेव नहीं करेंगे ना तो वो डेटा डिलीट हो जाएगा, वो डेटा आपका गायब हो जाएगा। चलिए समझते हैं। देखिए देखिए, इस लैपटॉप के अंदर बहुत सारे पार्ट लगे होते हैं, जैसे कि मदरबोर्ड हो गया, रैम हो गया, स्क्रीन, कीबोर्ड, बहुत सारी चीजें। उन सबसे इंपॉर्टेंट एक होता है आपका ये हार्ड डिस्क, दिख रहा ना हार्ड डिस्क की। और ये हार्ड डिस्क हो जाए चाहे SSD हो जाए, इसी के अंदर डेटा आपका सेव होता है। मतलब ये अगर खराब अगर हो जाए, ये चीज खराब हो जाए, तो जितनी फाइल है, जितनी फोटो है, जितनी वीडियो है, सारी चीजें जो है इसके अंदर डिलीट हो जाएगी। अगर इंपॉर्टेंट चीजें जान लीजिए, हार्ड डिस्क या तो जान लीजिए SSD, या जान लीजिए कि नई टेक्नोलॉजी का आ चुका है NVMe, इसी के अंदर जो है डेटा सेव होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए डेटा सेव करने का तरीका क्या होता है। मान लीजिए ये हार्ड डिस्क है, ये 500 GB का या 1 TB का हार्ड डिस्क होता है, मतलब 1000 GB का हार्ड डिस्क है ये। ठीक है, हार्ड डिस्क 1000 GB का कैपेसिटी इसके अंदर है, ये होता है। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं, मान लीजिए कि आपने कुछ एरिया जमीन ले लिया है, और जमीन ले लिया है कुछ सामान को लाके जमीन पर रख देते हैं, तो आपको क्या करना है, जब कुछ खोजना है ना तो पूरी जमीन में खोजेंगे। क्लियर है ना? मतलब मान लीजिए एक प्लेन जमीन है, उसके ऊपर आपने कुछ सामान रख दिया ला करके, तो आपका एरिया बड़ा अगर है तो आपको पूरे एरिया को ढूंढना पड़ेगा, हाँ उस सामान कहाँ रखा हुआ है। क्लियर है ना? अगर उस जमीन के ऊपर आप 4 पार्टीशन कर लें, 5 पार्टीशन कर लें, उसके बाद जो है अपने सामान को रख करके 1 पार्टीशन रख दें, तो फ्यूचर में आपको जरूरत पड़ेगा कि हाँ वो सामान कहाँ रखा हुआ। सीधे पूरे जमीन को न खोज करके आप उस एक पार्टीशन में जाएंगे और वहां पर जाकर के उस चीज को खोजेंगे तो आपको सामान मिल जाएगा। समझ बात को ना? तो मतलब ये है कि जैसे हार्ड डिस्क है, ये जमीन को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया, इस रूम में अलग सामान रखा, इस रूम में अलग सामान रखा, इस रूम में अलग सामान रखा, तो हमको खोजने में इजी हो जाएगा। एकदम क्लियर है? सेम इसी प्रकार से इस हार्ड डिस्क के साथ में जिसमें हम डेटा सेव करते हैं, अगर मान लीजिए इसके अंदर आपका 1000 GB का हार्ड डिस्क है, तो 1000 GB के अंदर डेटा हम कहीं सेव कर देंगे ना, तो खोजने में कंप्यूटर को टाइम लगेगा, खोजने में लैपटॉप टाइम लगेगा, और फिर हमको फिर दिक्कत भी खोजने के लिए। तो इसी प्रकार से लैपटॉप में क्या करते हैं, इस हार्ड डिस्क को ना 4 पार्ट, कोई 3 पार्ट में, कोई 2 पार्ट में, कोई 1 पार्ट में डिवाइड कर देता है। क्लियर है ना? जैसे आप देखते होंगे जब अपना लैपटॉप खोलेंगे, जब अपना कंप्यूटर खोलेंगे, उसमें दिखाता है लोकल डिस्क सी ड्राइव, लोकल डिस्क डी ड्राइव, लोकल डिस्क ई ड्राइव, लोकल डिस्क एफ ड्राइव, दिखता है ना दिखता है? तो अभी आगे दिखाता हूं आपको प्रैक्टिकल करके मैं। तो मतलब इसी हार्ड डिस्क को पार्टीशन किया जाता है, ठीक है, और उसको जितना डिवाइड होता है आदमी कर लेता है उतना। जैसे ज्यादा कैपेसिटी का होता है तो लोग ज्यादा ज्यादा उसका पार्ट करते हैं, कम कैपेसिटी का होता है कम होता है। तो अपने भी लैपटॉप में मैंने 2 पार्टीशन कर लिया है, अब बताता हूँ ये। चलिए लेके चलता हूँ आपको लैपटॉप स्क्रीन के पास में, और 1 बाय 1 करके पूरा बताने का प्रयास करता हूँ कैसे क्या करना चाहिए। देखिए हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। अब देखिए ये जो भी लैपटॉप का जो भी कंप्यूटर पड़ा होगा ना, उसके अंदर या तो विंडोज 7 लोड होगा या विंडोज 10 लोडेड होगा, जो विंडोज 8 लोड होगा। तो देखिए सब में जो है दिस PC दिखता है आपको, देखा ना दिस PC लिखा हुआ, हो सके आप माई कंप्यूटर लिखा होगा या इस पे। तो हम सिंपल तरीके से इसको हम ओपन कर लेते हैं दिस PC को, ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में देखिए क्लिक करेंगे तो इसमें देखिए दिखा रहा है, ये खुल के आ गया, इसमें दिखा रहा है लोकल डिस्क सी ड्राइव और लोकल डिस्क डी ड्राइव, दो दिखा रहा है ना ये। तो ये जो हार्ड डिस्क है ना, हार्ड डिस्क की हार्ड डिस्क लिया हुआ हूँ, तो ये दूसरा हार्ड डिस्क है, मान लीजिए 500 GB का, तो मेरे इसमें लैपटॉप के अंदर 120 GB का लगा हुआ है हार्ड डिस्क। तो अब क्या करता हूँ, तो मैंने उस 120 GB को मतलब 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक देखिए कर दिया मैंने जो है लगभग 62 GB का, एक कर दिया मैंने 48 GB का, अलग अलग पार्टीशन है। तो इसी हार्ड डिस्क को जो है सॉफ्टवेयर के माध्यम से मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब ये क्या होता है, कोई चाहेगा तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकता है, कोई 4 पार्ट में डिवाइड कर सकता है। अब देखिए इसमें क्या है ना कि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होता है वो होता है आपका सी ड्राइव, दिख रहा ना ये सी ड्राइव, ये लोकल डिस्क सी ड्राइव, देख रहा आपके भी कंप्यूटर में लोकल डिस्क सी ड्राइव होगा, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है।
जितना भी हम कंप्यूटर में जो है सॉफ्टवेयर लोड करते हैं, जैसे विंडो हमने लोड कर रखा है, हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लोड कर रखा है, सारी चीज़ें या जितना प्रोग्राम मतलब जो लोडिंग इंस्टॉल करते हैं, सारी चीज़ें जो है आपको इसी में लोड किया जाता है लोकल डिस्ट्री टाइप के अंदर। ठीक है, लोकल डिस्क सी ड्राइव के अंदर है, कभी रेयर केस के अंदर कोई डी में करता है, कोई ई में करता है, लेकिन मेनली जो सी ड्राइव में किया जाता है। तो अब जब भी जब आप डेटा सेव करने जाते हैं, ठीक है, जब भी डेटा आप सेव करने जाते हैं, आपसे हम बार बार कहते हैं, और मैं क्या, ये आपको जानना भी चाहिए कि इस ड्राइव के अंदर आपके जैसे फोटो हो गई, आपके पास वीडियो हो गया, आपके वर्ड एक्सेल पावरपॉइंट का डॉक्यूमेंट हो गया, इसके अंदर मत सेव करिए इस ड्राइव के अंदर। ठीक है, इस टाइप के अंदर मत सेव करिए, आप सेव करिए लोकल डिस्क डी के अंदर, लोकल डिस्क ई के अंदर, लोकल डिस्क एफ के अंदर। क्यों? क्योंकि बताता ये हूँ, मान लीजिए हमने विंडोज लोड कर रखा है, विंडोज 10 विंडोज 7 लोड कर रखा है, जब भी कंप्यूटर में जब भी लैपटॉप में प्रॉब्लम आता है विंडो रिलेटेड ना, तो ये वाला ड्राइव जो है एक्सेसिबल नहीं हो पाता, मतलब इसको हम एक्सेस नहीं कर पाते, और इसके अंदर जो डेटा रहता है ना तो वो मिलने की संभावना कम रहती है। क्लियर है ना? तो इसके अंदर आप डेटा को मत सेव करिए, डीईडी में सेव करिएगा। क्लियर हो चुका है ना? ये तो हो चुका है। ये उसके बाद भी बहुत सारे बात देखता हूँ क्या करते हैं, ठीक है भैया हम इसमें नहीं डेटा सेव करें, यहाँ नहीं सेव करेंगे, हम यहाँ नहीं सेव करेंगे, हम इसमें सेव कर देते हैं, ये दिख रहा है डेस्कटॉप दिख रहा है, माई डॉक्यूमेंट दिख रहा है, सारी चीज़ दिख रही है ना। तो क्या होता है दोस्तों, देखिए जो ये जो बेस दिख रहा है आपको ना, ये सब डॉक्यूमेंट हो गया, डेस्कटॉप हो गया, पिक्चर हो गया, म्यूजिक हो गया, इसका जो बेस है ये कहाँ लोड है, वो सब सी ड्राइव के अंदर, ये सी ड्राइव के ये सब फोल्डर है, ये दिख रहा है ना, ये सी ड्राइव के सब फोल्डर है। अगर इसके अंदर भी आप जो कुछ डेटा सेव करेंगे तब भी मतलब डेटा आपका जो है डिलीट हो सकता है, आपका डेटा जो करप्ट हो सकता है, इसलिए हमेशा जो है जो भी चीज़ें आपको सेव करना है तो आप डी में या कर सकते हैं किसी और ड्राइव के अंदर, ई एफ आपके पड़ा हुआ तो उसको आप कर सकते हैं। क्लियर है एकदम, समझ रहे एकदम बात को ना? तो इसमें मत करिए। फिर बहुत बार देखता है क्या है कि देखिए लोगों को मालूम नहीं होता है, ये जो स्क्रीन पर डेस्कटॉप दिख रहा है ना, ये डेस्कटॉप दिख रहा है, ये जो डेस्कटॉप दिख रहा है जितनी फाइलें फोटो पड़ी हुई, ये भी क्या है, ये टोटल सी ड्राइव के अंदर ही है। समझिए इस बात को, जो ये दिख रहा है आपको, अगर डेस्कटॉप पे कोई आप फोल्डर सेव करते हैं, सोचते हैं कि कल के डेट में लैपटॉप का मेरा विंडो करप्ट हो जाएगा तो ये फाइल करप्ट नहीं होगा, तो आप गफलत में हैं, ये सी ड्राइव के अंदर होता है। और यहाँ पे अगर मान लीजिए विंडो करप्ट हो गया, इसका सी ड्राइव एक्सेस नहीं कर पाता, तो आपके डेस्कटॉप की जो फाइल है ना वो मिलने की संभावना कम हो जाती है। एक्सपर्ट आदमी रहेगा तो उसको रिकवर कर लेगा, वरना आपके इस डेस्कटॉप की फाइल भी डिलीट हो जाएगी। इसलिए डेस्कटॉप पे अगर कोई फाइल आपको रखना है ना तो आप शॉर्टकट रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि जैसे कि मैं खोल लेता हूँ, ये दिस पीसी खोल लिया मैंने करके, अब मेरा ये कोई लोकल डिस्क डी है, लोकल डिस्क डी है तो मैंने कोई फाइल सेव कर रखा है, जैसे माने मैं लोकल डिस्क डी को खोल लेता हूँ, खोलता हूँ ये, तो जान लीजिए ऐसे एक मेरा तो इतने सारे फाइलें हैं, मान लीजिए मैं समझ लेता हूँ कि एक फाइल मेरे पास पड़ा हुआ है, ये जे ओ जी नाम से फोल्डर है, इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करने राइट बटन क्लिक कर दिए, जब क्लिक करेंगे देखिए लिख क्या रहा है, सेंड टू आ रहा है ना, ये सेंड टू डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट, अगर इस पर आप क्लिक कर देंगे तो क्या होगा ना, जो बेस फाइल है आपका, जो मेन फाइल है आपका, इसी टाइप में पड़ा हुआ, लेकिन इसका शॉर्टकट बन गया है डेस्कटॉप पे, देखिए जे ओ जी ई है यहाँ पे, अब ये यहाँ बन के आ रहा है। अब तो मैं अगर जो फाइल को इसको खोलूंगा ना तो ये खुलेगा डी टाइप के अंदर, ये फाइल जो खुलेगा आपका, ये देखिए दिखा रहा है लोकल डिस्क डी के अंदर, लेकिन क्या शॉर्टकट बन चुका है, तो इसको आप इसी तरीके से कर सकते हैं। तो कुछ करना अगर आपको है तो हमेशा जो है डेटा को, अपने फाइल को आप किसी ड्राइव में सेव करिए, ना कि डेस्कटॉप पे सेव करिए, ना कि सी ड्राइव के अंदर सेव करिए। और डेस्कटॉप सी ड्राइव में सेव करते हैं तो कल गेट में विंडो करप्ट हो जाता है, कल गेट में दोबारा विंडोज को फॉर्मेट करना पड़ता है, सारी चीज़ें होने के बाद में तो आपका डिलीट हो सकता है, ये हो चुका है। उसके बाद बहुत सारे लोग चाहते हैं कि टैली में काम करते हैं, लोग काम करते हैं, कुछ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, तो सबका डेटा उठा के हमेशा आप डी और ई में सेव करिएगा, ना कि सी के अंदर सेव करिए, क्योंकि ये जो ड्राइव होता है बहुत ही संवेदनशील होता है, खतरनाक होता है, इसके अंदर डेटा हम नहीं सेव करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है कि अब आप लैपटॉप कंप्यूटर यूज़ करेंगे तो अपने जो भी फाइल इंपॉर्टेंट होंगे ना उसको आप हमेशा जो है सी ड्राइव के अलावा दूसरी ड्राइव में सेव करेंगे और डेस्कटॉप पर नहीं सेव करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, मैं सोचा यही एक बेसिक सा इन्फॉर्मेशन था, और मुझे लगता है इस वीडियो को देखने के बाद में ना कि अब भी आप जागरूक हो जाएंगे, और अब लैपटॉप में कंप्यूटर में डेटा सेव करना हो किसी ड्राइव के अंदर सेव करेंगे, ना कि सी ड्राइव पे सेव करेंगे और ना ही सेव करेंगे अपने डेस्कटॉप के ऊपर सेव करेंगे, क्योंकि जब भी कंप्यूटर में प्रॉब्लम आता है ना हमको फॉर्मेट करना पड़ता है सी ड्राइव, जब सी ड्राइव फॉर्मेट करते हैं सारा ये चीज गायब हो जाता है दोस्तों। तो वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहा हो, आपको इससे कोई इन्फॉर्मेशन मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बताओ के लिए क्या अच्छा वीडियो बना सकता हूँ, वीडियो को शेयर कर दी, बहुत सारे दुनिया के अंदर होते हैं ना जो ऐसी छोटी छोटी चीजें और इंपॉर्टेंट चीज सीखना चाहते हैं, हो सके उनके काम आ जाएगा। आप सब लोग को नमस्ते।